जो दो डिफरेंशियल इक्वेशन या जो दो मैक्सवेल्स इक्वेशन हमने कल पढ़े थे, एक ये पढ़े थे जिसमें आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट है, आईसी कंडक्शन करंट है, और ये किसके इक्वल था, दैट इज डी फाई बी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। जब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, कैसे सॉल्व करना ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं दिस इज नॉट इन अवर सिलेबस। तो ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन मतलब इन इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे इक्वेशन मिलेगी, और वो इक्वेशन किस तरह से आएगी, दैट इज ई इज इक्वल्स टू, जैसे अगर मान लो मैं इसको वाई डायरेक्शन में ले लूं तो ये फंक्शन मिलेगा एक्स और टी का, दैट इज गिवन बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी जेड मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मतलब ये जो टर्म है यहाँ पे साइन और साइन, दोनों में साइन साइन रहेगा या दोनों में कॉस कॉस रहेगा, मतलब ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है, इन मैक्सवेल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, इन मैक्सवेल्स इक्वेशन को मतलब इनको जब सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करना है दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस में नहीं है। जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म पे इस तरह की इक्वेशन मिलेगी और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म पे ऐसे मिलेगी। तो यहां पर अगर साइन है तो यहाँ भी साइन आएगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस रहेगा, और ये जो अंदर का टर्म है ये बिल्कुल सेम रहेगा, एंड इनका जो रेशियो है, नाउ इन वैक्यूम के लिए, इन वैक्यूम या फिर एयर के लिए सी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट का रेशियो रहेगा, हमेशा ये फॉलो होगा, और जो सी की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय वन अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू सी के इक्वल आएगी, एंड व्हाट इज सी, दैट इज 3 × 10⁻¹ m/s, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड है, और इसमें ओमेगा दैट इज 2 π f या फिर आप 2 π/T लिखोगे, एंड के इज प्रोपेगेशन वेक्टर, दिस इज 2 π/λ या 2 π ✕ ν⁻ दैट इज वेव नंबर, एंड स्पीड ऑफ वेव एक और इक्वेशन से दी जाएगी यहाँ पे, स्पीड ऑफ वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय हियर सी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के या एफ इंटू लैम्डा से दिया जाएगा। तो जब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन ये रहेगा, इसमें जो टर्म्स हैं कि भाई सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लाइट की स्पीड के बराबर मिलेगा, ये ध्यान में रखना। मतलब ये सॉल्यूशन कैसे आए ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिलेबस में भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इन इक्वेशंस को सॉल्व करने पे इस तरह से मिलता है, तो या तो साइन साइन रहेगा या कॉस कॉस, और अंदर का जो टर्म है वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा, फिर बाकी सिंबल्स की क्या मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1 मिनट रुक जा, इसको करेक्शन कर दूं मैं, यहाँ पे टी रहेगा, ये दिस इज टी, मतलब ये किसका फंक्शन है, एक्स और टी का, मतलब पोजीशन और टाइम का, और ये भी पोजीशन और टाइम का, ये वाई डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन पे, तो ये इस तरह से, ठीक है। अभी ले लो स्क्रीनशॉट इस पे, ठीक है, अभी लो। ले लिए क्या? हाँ सर, एंड देन जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किधर पे आता है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन देखते हैं यहाँ पे। जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
और अपन ये बोल दें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी मतलब जो एनर्जी का फ्लो आएगा वो किधर पे रहेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी दैट इज अलोंग, ये किस डायरेक्शन पे आएगा, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई एंड बी, ई और बी के रिजल्टेंट से जो डायरेक्शन आएगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी, ठीक है, जो डायरेक्शन आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने से, ई क्रॉस बी करने से जो डायरेक्शन मिलेगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगी, मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है दैट इज मैं सी वेक्टर लिख दूं या फिर वी वेक्टर, दिस इज अलोंग ई क्रॉस बी, तो ये किसके डायरेक्शन पे आएगा या स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ये ए क्रॉस बी निकालने से पता चलेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो फ्लो होगा हमेशा इसके क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन पे आएगा। जैसे यहाँ पे ई वाई लिखे हो आपने, तो ई वाई का मतलब क्या हो गया, EY का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है, यहाँ पे z डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है। अब यहाँ पे मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख दूं इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, पेज नंबर 2 कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख दूं मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर ई वाई एक्स ऑफ टी है, सो दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दिस इज बी जेड ऑफ एक्स टी दैट इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अगर अपन इसका ग्राफ देखें यहाँ पे 3D ग्राफ, इधर पे x एक्सिस ले लिया आपने, ये y एक्सिस हो गया और इधर पे आपका z एक्सिस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से ऑसिलेट हो रही है, y डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है इस तरह से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन है जो y डायरेक्शन पे साइमल्टेनियसली मतलब साथ में, इसी के साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर वाई डायरेक्शन पे है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर पे रहेगा, जेड डायरेक्शन पे रहेगा, मतलब दोनों फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे और सेम फेज में रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर एज वेल एज इन सेम फेज। तो जेड डायरेक्शन में मान लो आपका बी जेड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली ऑसिलेट होती है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट होगी एक साथ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो डायरेक्शन इधर पे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, सी वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते, मतलब जो वेलोसिटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट होते हैं, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये सेम फेज में होते हैं, सेम फेज ये जो टर्म है यहाँ पे सेम फेज को डिनोट करता, दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑलवेज इन सेम फेज, ऑलवेज इन सेम फेज, ये हमेशा सेम फेज में होते हैं, इसलिए यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन आएगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस आएगा, और अंदर का टर्म बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। और आप यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है ये पहले भी डिस्कस कर लिए, सी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, और ये तो वैक्यूम में आएगा, और मीडियम पे जब आप स्पीड देखोगे दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट
किसके बराबर लिखोगे, म्यू इंटू एप्साइलॉन के बराबर लिखोगे, जिसमें म्यू मतलब म्यू नॉट इंटू म्यू आर और एप्साइलॉन मतलब एप्साइलॉन नॉट इंटू एप्साइलॉन आर के बराबर होता है। तो जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में इस फार्मूले से दी जाएगी और मीडियम में इस फार्मूले से दी जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी एंड ये हमेशा सेम फेज में होते हैं। मतलब यहाँ अगर आपका साइन का फंक्शन है तो यहाँ भी साइन का फंक्शन बनेगा, अगर ये कॉस है तो यहाँ भी कॉस कराएगा और अंदर वाला जो टर्म है वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। यहाँ पर माइनस साइन क्या शो करता है, मैंने जब वेव पढ़ाया था थोड़ा सा एक आध दो लेक्चर हुए थे अपने तो वहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया था आप लोगों को, अगर यहाँ पे माइनस साइन है इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव है वो जैसे माइनस के एक्स है या माइनस साइन यहाँ पे लगा और ये एक्स है, इसका मतलब वेव किस डायरेक्शन पे जा रही है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे जा रही है। समझ गए, समझ गए या नहीं, हेलो समझ गए या नहीं इसको, अरे भाई समझ गए, हेलो समझ गए इसको कि नहीं। यहाँ पे अगर प्लस साइन आएगा तो वेव नेगेटिव डायरेक्शन पे जाएगी और माइनस साइन है तो वेव पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, हेलो ले लिए क्या? हाँ सर। देखो जो वेव इक्वेशन होती है, दिस इज पेज नंबर थ्री, जो वेव इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वेव इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है और कोई वेव इस डायरेक्शन पे चल रही है आपकी, ये वाई डायरेक्शन है और ये वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है ना, वेव इस डायरेक्शन पे जा रही है, तो आप इक्वेशन के लिखोगे अगर वेव पॉजिटिव डायरेक्शन पे जा रही है तो वेव की इक्वेशन दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई के फॉर्म पे आप लिखते हो, जिसमें ओमेगा मतलब टू पाई एफ या फिर टू पाई बाई टी होता है, k का मतलब 2 पाई बाई लैम्डा या फिर 2 पाई इंटू न्यू बार, फाई इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट और इसमें वेव स्पीड डायरेक्ट निकाल सकते हो, दैट इज वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी भी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के या लैम्डा इंटू एफ से आप कैलकुलेट करते हो। और यहां पर जो माइनस का साइन आया, ये माइनस का साइन क्या शो करता है, यहाँ पर जो माइनस का साइन है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव में, ये जो माइनस का साइन है बेटा, इट शोज दैट वेव ट्रेवल अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रही है वेव या जा रही है उसको शो करता है, अगर यहाँ प्लस रहता तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन आता। तो ये हमने वेव जब मैंने स्टार्ट किया था, ज्यादा नहीं हुआ था, उसके बाद क्लास बंद करना पड़ा था अपने को, है ना, तो वहां पर का ये पोर्शन है, ध्यान होगा आप लोगों को, स्टार्ट हो गया था ये, मैंने बताया था वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं, याद है कि देखो क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई डायरेक्शन ई ऑफ एक्स टी एंड दैट इज 10 टू द पावर 2 वोल्ट पर मीटर, फिर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के फॉर्म पे दिया हुआ है। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन है, और एक और डेटा गिवन दे दूं मैं, इफ वेवलेंथ इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और ये जो वेव है ये कहाँ जा रही है, दिस इज इन वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर पे, देन फाइंड, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको इक्वेशन निकालना है,
फाइंड मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी आपको बताना कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन इस तरह की बताना है और फ्रीक्वेंसी कितनी है वेव की आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? क्वेश्चन समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आपका, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है और फ्रीक्वेंसी बताना है। क्वेश्चन में क्या दिया? एडिशनली वेवलेंथ दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे आएगा, सिंस सी इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट, मतलब बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय सी, सो देयरफॉर बी नॉट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको जब आप सॉल्व कर दोगे ये आंसर आपका टेस्ला में आ जाएगा, दैट इज 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। और क्योंकि ये अंदर का टर्म दोनों के लिए एक जैसा होता है, अब C का जो डायरेक्शन आएगा वो E क्रॉस B रहेगा और वेव यहाँ पे X डायरेक्शन पे जा रही, पॉजिटिव X डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे प्लस आई कैप है और E का डायरेक्शन Y है, मतलब ये J कैप। तो यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर होना चाहिए जिससे J क्रॉस करने पे आपको आंसर कितना मिले, I मिले। तो J क्रॉस K करने पे आपको आंसर कितना मिलता है, I मिलता है ना? J क्रॉस K करने पे आंसर I मिलता है कि नहीं मिलता? इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो B कैप है इसका जो यूनिट वेक्टर है दैट इज अलोंग K कैप, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ आपको बी जेड लिखना पड़ेगा। तो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आप ऐसा लिखोगे बी जेड ऑफ XT, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड आपका ये मिल गया यहाँ पे, दैट इज 10 टू द पावर सॉरी 1 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। उसके बाद जो अंदर का फंक्शन है इधर का, दैट इज साइन ओमेगा टी माइनस टीएक्स ऐसा चल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए इक्वेशन इस तरह की आएगी, ठीक है, सिमिलर है। अब आपको वेवलेंथ दिया हुआ है, आल्सो आप यूज कर दो c इक्वल्स टू लैम्डा इनटू f, तो फ्रीक्वेंसी विल बी c डिवाइडेड बाय लैम्डा 3 इनटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी, दैट इज 0.6 इनटू 10 टू द पावर, यहां पे माइनस 7 बचेगा ऊपर गया तो 8 पर सेकेंड, मतलब हर्ट्ज में आ जाएगा। तो दिस इज 0.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज, क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो कैलकुलेशंस आपको इस तरह से करने हैं, देख लो अभी, और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, अब आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए इसको कि नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, देन पेज नंबर 4 अब। Then page number 4, देखो ये मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ तुमको, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, पहले बताया हुआ मैंने, ध्यान रखना ये। तो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का फंक्शन अगर ये है, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx के फॉर्म पे, और मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन आपके पास में है, दैट इज v नॉट sin ओमेगा t माइनस kx। सो नाउ एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें यहां पे वेव के लिए, सो नाउ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे अपन आते हैं।
सो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विल बी गिवन बाय एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीवी, ये एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये इनटू वॉल्यूम, और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इनटू आप वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे छोटे से पार्ट के लिए। यहाँ जो कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं वो बहुत बेसिक है, हमको उससे कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, बस मैं आपको लॉजिकल पोर्शन के लिए इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये टोटल एनर्जी इन सम वॉल्यूम के लिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब किसी जगह पे, जैसे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इतने वॉल्यूम को आप डी भी कंसीडर कर लो और यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इतनी जगह पर कितनी एनर्जी है उसको आप इस इक्वेशन से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे अपन, ठीक है ना। तो दिस इज द टोटल एनर्जी कंटेन्ड इन वॉल्यूम डी भी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज यू ई का मतलब एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसका फार्मूला होता है किसके बराबर, जिसका फार्मूला दैट इज यू ई इज इक्वल टू 1/2 ई नॉट इंटू ई स्क्वायर, एंड यू बी का फार्मूला किसके बराबर होता है बेटा यहाँ पे दैट इज बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू म्यू नॉट के बराबर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, समझ गए कि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी याद आया, ये कहाँ पे पढ़े थे, कैपेसिटर वाले चैप्टर में बताया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और ये कहाँ पे पढ़े थे हमने, इंडक्टर के साथ में, जब मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको कैसे लिखते हैं अपन। सो दीज आर द टर्म फॉर एनर्जी डेंसिटी, और इनकी यूनिट क्या होती है, जूल पर मीटर क्यूब, ये जूल पर मीटर क्यूब में इसकी एसआई यूनिट है। तो अब इसमें आपने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी में, तो ये एनर्जी बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन ये ई स्क्वायर के फॉर्म पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द टोटल एनर्जी डेंसिटी, दिस इज टोटल एनर्जी डेंसिटी, और फिर जब आप इनको पुट कर दोगे दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एंड अगेन इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसका एवरेज ले लो पूरे का, तो ये जो टर्म है आपका साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, इसका एवरेज कितना होगा, 1/2 होता है। तो जब आप इस पूरे पोर्शन का एवरेज ले रहे हो, सो दिस इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी, तो ये टर्म बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2 प्लस 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू 1/2। So therefore, total average energy density will be given by 1/4 into epsilon naught into E square plus 1/4 B naught upon mu naught square. So this is the total energy density. तो ये जो term है यहाँ पे, this is average energy density है, ये average energy density है, since जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, ये टर्म आपके इक्वल होते हैं। सो दैट इज एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर सेम, मतलब ये जो टर्म है आपके ये सेम है, तो फिर आप इसको टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को अलग से लिख सकते हो या सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हो, ये दोनों टर्म आपके सेम होते हैं। This implies that total average energy density can be written as 1/2 epsilon naught into E naught square या 1/2 B naught square upon mu naught. क्योंकि ये जो term है, this is average energy density of electric field और ये term कौन सा, average energy density of magnetic field का, और ये दोनों equal होते हैं, इसलिए जो total average energy है वो इस तरह से लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, एनर्जी डेंसिटी का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग,
फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उससे और आपको क्लियरिटी आएगी, ठीक है सर? हाँ, सर यू ई इज इक्वल टू यू बी कैसे होगा? ये विदाउट प्रूफ मैंने लिखा है, आप प्रूफ कर सकते हो इनको, ठीक है? मतलब सी इक्वल टू 1/2 और उनको लेके आप प्रूफ कर सकते हो एवरेज निकाल के। बताना है क्या प्रूफ? चल ठीक है, बता दे रहा हूँ, रुक जाओ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर बता देता हूँ प्रूफ, ठीक है? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बता देता हूँ कैसे इक्वल। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, जल्दी से ले लिया? हाँ सर। ठीक है, देख सर वो हर मीडियम में सेम रहेंगे? हाँ, ये हर मीडियम में सेम है, क्योंकि यहाँ कोई मीडियम का तो काम, ये वैक्यूम के लिए देख रहे हो, लेकिन मीडियम के लिए देखोगे क्या ई नॉन ई आ जाएगा एप्सिलॉन, और यहाँ पे म्यू आ जाएगा, ये तो वैक्यूम के लिए लिखे अपन ने, लेकिन जब हम किसी मीडियम में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही मीडियम के लिए रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तो यहाँ पर की जो इक्वेशन है वो ई की जगह, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, ई एप्सिलॉन आ जाएगा, और म्यू नॉट की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, म्यू आ जाएगा। तो मीडियम बदलने पे सिर्फ क्या बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट और उनकी वैल्यू बदलेगी, इसकी बदलती। देखो अभी यहाँ पे देखो, सिंस एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर, ठीक है? अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, सिंस सी इक्वल सी स्क्वायर अगर आप करोगे तो म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ, या ना जवाब देना। यस सर। सर तो इसमें मैं एप्सिलॉन नॉट को लिख सकता हूँ 1/C² इनटू म्यू नॉट लिख सकता हूँ क्या? हाँ और C इक्वल्स टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है, तो इसको yes, लिख लेना सी स्क्वायर की जगह पे ई नॉट स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर इनटू यहाँ पे म्यू नॉट लिख सकते हो ऐसा कि नहीं? ये C की जगह पे E नॉट स्क्वायर अपॉन B नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे 1/4 एप्सिलॉन नॉट की जगह पे तुम ये पूरा टर्म इतना लिख देना, मतलब इसको सॉल्व करेगा तो B नॉट स्क्वायर ऊपर और E नॉट स्क्वायर इनटू U नॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे जाएगा B नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय E नॉट स्क्वायर इनटू U नॉट इनटू E नॉट स्क्वायर, तो ये टर्म हो गया कैंसिल, और जो बाकी बचा है दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देख लो, समझ गए? हाँ सर समझ गए, बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ है। तो अब इस कहानी में आपको क्या याद रखना वो मैं बता देता हूँ, क्या याद रखना है, ठीक है? इसमें आपको क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ, इधर का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए थे, इस पे आपको ये याद रखना, ठीक है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मान लो आपका एक्स डायरेक्शन पे है, दैट इज ई नॉट और फिर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी जेड वेक्टर इज बी ऑफ एक्स टी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इनको याद रखना जो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, C is equals to E naught upon B naught and C is equals to 1 upon mu naught epsilon naught ka root, V is equals to 1 upon mu into epsilon, mu equals to mu naught into mu r, epsilon ka matlab epsilon naught into epsilon r, sabhi symbol apni usual meaning pe hai jo already hum pehle se padhte aaye hain, theek hai? Uske baad एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ, हेलो हाँ सर, तो एनर्जी डेंसिटी ये जो टर्म है यहाँ पे, दिस इज द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है यहाँ पे, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? और इसकी वैल्यू कितनी होती, दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर
1 बाई 4 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो इक्वल है एंड टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी दैट इज यू ई एवरेज प्लस यू बी एवरेज, और ये वाली वैल्यू 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बी नॉट स्क्वायर लिखोगे या 1 बाई 2 बी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट लिखोगे। तो आपको इतना याद रखना है इसमें पूरी कहानी में जितना मैंने बताया, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बस इसी के बेसिस होते हैं। ठीक है, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और एक न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट तो पहले ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? हेलो, अरे भाई ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? जल्दी बताओ ना। यस सर। ठीक है सर, म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है? वो तो मीडियम पे डिपेंड करेगी ना बेटा, म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करेगी कि कैसा मीडियम आप ले रहे हो, समझ गए कि नहीं? हेलो। यस सर। कैसा मीडियम आप ले रहे हो उस बात पे डिपेंड करेगा म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू। क्लियर हो गया? हाँ सर। ठीक, तो आज के लिए इतनी पढ़ेंगे। आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है कि शनिवार? गुरुवार है आज। अच्छा।